सब्सक्राइब कीजिए फूड ओपीट चैनल को एंड हिट कर दीजिए बेल आइकन को ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। फूड ओपीट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुषमा, आप देख रहे हैं फूड ओपीट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपसे 3 डिफरेंट टाइप्स अरबी रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरबी रोल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है अरबी के पत्ते। ये आपको मार्केट में या फिर सब्जी वालों के पास मिल जाएंगे। ये देखिए, हमारे पास कम से कम 30-40 पत्ते हैं। इसको मैं बनाऊंगी। इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है, ये सरसों है, ये हमने 2 स्पून सरसों लिया है। इसमें मैं जीरा ऐड करूंगी, 2 स्पून जीरा, और ये डाल देंगे हम धनिया पाउडर, 2 स्पून धनिया पाउडर, और हम थोड़ा और डालेंगे 1 चम्मच। ये हमने डाल दिया है लहसुन, ये बहुत ही परफेक्ट क्वांटिटी में मैंने डाला है। ये देखिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने हरी मिर्च ऐड कर दिया है इसमें, थोड़ा अदरक डालेंगे 2 इंच। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसको हम पीस लेंगे, और इसका पेस्ट हमें बिल्कुल चिकना रखना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से हमें चिकना पेस्ट पीसना है। बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है, जैसे ही ढक्कन ओपन किए हमने तो बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। वाह, देखिए, ये हमने आटा चावल का लिया है, बेसन है, और ये दही लिया है, ये बहुत खट्टा दही है। ये देखिए, अब इसके लिए हमने जो ये पेस्ट पीस के रखा है, इसे हमें चिकना पीसना है। और एक बर्तन ले लेंगे, इसमें चावल का आटा डालेंगे, चावल का आटा चिकना होना चाहिए, और ये बेसन ऐड करेंगे, 1 कटोरी बेसन। आप चाहे तो बेसन ही बेसन की बना सकते हैं, या फिर नहीं है तो चावल के आटे से भी बन सकता है, बट दोनों चीज़ मिलाकर बनाने से बहुत टेस्टी बनती है। हमने हल्दी पाउडर 1 चम्मच और मिर्ची डाल दिया है, ये हम 3 स्पून मिर्ची ऐड करेंगे इसमें। मिर्ची पाउडर डाल दिया है, ये नमक डाल दिया हमने, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है। आप जिस तरीके से आप पत्ते रहेंगे और उतना ही जैसे बैटर रेडी करेंगे तो उसी हिसाब से हमें नमक डालना है। और ये जो हमने पीस के पेस्ट रेडी किया था, इसको भी हम इसमें मिला देंगे। ये बहुत ही शानदार टेस्ट आने वाला है इसका, ये जो हम पेस्ट पीसे हैं इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये दही हमने डाल दिया है, अगर दही नहीं है तो आप मठे से भी बना सकते हैं, या फिर नींबू की खटाई यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे दही से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसलिए मैं दही यूज़ करती हूँ। और इससे बहुत ही अच्छी, मतलब अरबी के जो रोल बनाते हैं बहुत खस्ता बनते हैं, इसलिए हम दही यूज़ कर रहे हैं। देखिए, इसको हमें अच्छे से मिला लेना है, ठीक से, ज़्यादा उनको गीला पेस्ट नहीं बनाना है। ये देखिए, इतना ही ठीक रखना है हमें। ये बहुत ही परफेक्ट बेटर रेडी हुआ है। वाह, क्या खुशबू आ रही है इसमें। अब हम देखिए, हम पत्ते दिखा रहे हैं हम आपको किस तरीके से हमें इसे करना है। इसके डंठलों को हम काट लेंगे, नहीं तो ये फोल्ड करते समय दिक्कत होती है। इस तरीके से हम सारे पत्तों को काट लेंगे। अब आप देख सकते हैं, हमने ये पत्ते को इस तरीके से रखा है, और थोड़ा हम लेंगे बैटर और इसके ऊपर हम कोटिंग कर देंगे। ये देखिए, मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। अपने चिकना जो हिस्सा है उसको हमें नीचे रखना है, और जो ये खुरदा हिस्सा है उसको हमें ऊपर रखना है, और इसी तरीके से हमें बैटर लगाना है इसमें। और ये देखिए, इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे तभी तो बहुत ही अच्छा इसका जो रोल आता है, बहुत ही प्यारा रोल है और देखने में बहुत ही अच्छा दिखता है। तो इस तरीके से हम फोल्ड करते हैं तभी अच्छा, मतलब उसमें रोल आता है। ये देखिए, इसको फिर हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, और इसके ऊपर भी हम थोड़ा
बैटर लगा देंगे, ये देखिए है ना। और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे दबाते हुए, ढीला नहीं करना है, नहीं तो जब हम बड़ी ये जो रोल हैं जब ये पक जाते हैं तो जब इसे हम काटेंगे तो ये जब तलते समय खुल जाता है, इसलिए हमें दबाते हुए ठीक से टाइट रोल करना है। और मैं आपको और एक दिखा रही हूँ, ये हमें पत्ते को ऐसे ही रखना है, ये देखिए इस तरीके से हमने फोल्ड कर दिया है और ये बैटर को लगाते रहना है जिस तरीके से हम फोल्ड कर रहे हैं, और इसको दबाते हुए ऐसे रोल करना है। मैं और ये आपको दिखा रही हूँ डबल डबल लीव्स कोटिंग किस तरीके से करना है। ये सिंगल पत्ते को हमने कर लिया है, इसके ऊपर हम डबल पत्ता रखेंगे, ये चिकने हिस्से को हमें नीचे रखना है इस तरीके से, और इसके ऊपर हम बैटर लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से हम फोल्ड कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं रोल्स, आप इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने जिस क्वांटिटी में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाया था आप वैसे ही बिल्कुल बनाइए, और ज़रूर आपको अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है इसमें, ये देखिए। अब इसी तरीके से हम सारी लिप्स बना लेंगे, ये देखिए बन के रेडी हो चुकी हैं, कितनी मस्त दिख रही हैं, देखने में बहुत ही ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है कि बस अभी ही काले, बट अभी खा नहीं सकते हैं इसे क्योंकि इसे हम पहले पकाएंगे। एक हमने ये इडली का बर्तन लिया है, इसमें हम 2 गिलास पानी डाल देंगे, इसके ऊपर मैं एक इडली का सांचा रखूँगी, इसको हमें स्टीम करना है इस तरीके से, हम सारे रोल्स को रख देंगे स्टीम देके, पकाने से तलने में बहुत ही अच्छा रहता है इसलिए हम इसे स्टीम देके ही पकाएंगे। इसे हमें 15 मिनट के लिए रखना है, और इसके बाद में हम देखेंगे, वाओ देखिए कितनी मस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इसको चेक करेंगे चाकू की इससे, ये देखिए अगर ये स्मूथ चाकू जा रहा है तो समझ जाइए कि पक चुकी है, ये बहुत ही मस्त दिख रही है, देखने में ऐसे दिख रही है बट खाने में बहुत ही मज़ा आएगा, आप इसे इस तरीके से भी खा सकते हैं गर्मा गर्म, बहुत ही शानदार टेस्ट आता है रणवीर रोल का। देखिए हम इसे निकाल लेंगे थोड़ी देर के लिए, इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, ये हमने सारे रोल्स को निकाल लिया है। आप अब मैं इसको काट के दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से इसे कट करना है रोल को, और इसको हम करेंगे फ्राई, तेल में तल लेंगे। देखिए कितना प्यारा रोल आया है, देखने में बहुत ही मस्त दिख रहा है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है, इस तरह से हम इन्हें तल लेंगे। आप अगर इसे ज़्यादा क्रिस्पी तलना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा देर तल सकते हैं, अगर इसे नॉर्मल आप रखना चाहते हैं आपकी पसंद है, आप जिस तरीके से आप इसे खाना चाहते हैं इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं तल के। देखिए इसमें ऑयल रहता है बट टेस्ट तो बहुत ही शानदार आता है, आप ज़रूर बना कर देखिएगा अरबी रोल, अभी तो सीजनेबल हैं ये। और इस तरीके से मैं सेकेंड रोल्स दिखा रही आपको तल के, आप इस तरीके से भी आप खा सकते हैं इसे, इसमें जो खाने का जो मज़ा आएगा, ऊपर की जो कोटिंग आएगी क्रिस्पी लगेगी और अंदर का जो टेस्ट है वो बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये मैं आपको थर्ड दिखा रही हूँ स्टेप, इस तरीके से हम इसे बारीक बारीक बिल्कुल काट लेंगे, इस तरीके से हमने काट लिया है, ये कम ऑयल में आप अगर खाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और बहुत डिफरेंट टेस्ट लगेगा इसमें थोड़ा। अब इसमें हमने फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया गर्म हो चुका है, और प्याज हरी मिर्च डाल दिया है, ये बहुत ही कम ऑयल में बनेगा, मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ क्या क्या डालना है, बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है, वाह क्या मस्त खुशबू आ रही है, देखिए इसको हमें थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे पकाना है,
ताकि जो इसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। और इसमें हम थोड़ी रेड चिली पाउडर डाल देंगे। अगर इसको और भी चटपटा करना है आपको तो इसमें हम थोड़ा डालेंगे चाट मसाला, ये मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है। और इसमें थोड़ा हम नींबू निचोड़ देंगे हल्का सा। ये नींबू डालने से तो भाई बहुत ही मस्त टेस्ट बढ़ जाता है और भी अधिक। ये बहुत ही स्पाइसी चटपटा स्नैक्स बन गया है। ये देखिए, इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे इस तरीके से बनाएंगे। बहुत ही सुपर टेस्टी है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है आपको। आप ज़रूर इस तरीके से बनाकर देखिएगा। अगर आपको लेस ऑयल में खाना है तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए। और ये बहुत ही बेस्ट तरीका है बनाने का। ये देखिए इस तरीके से हम बनाए हैं। तो ये आप इसे चाहे तो स्टेम वाली भी खा सकते हैं या फिर तली वाली खा सकते हैं। अगर आपको कम ऑयल का खाना है तो आप इस तरीके से ज़रूर बना कर देखिएगा। ये बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त लगने वाली है। ये अभी बन के रेडी हो गया है। इसको अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे और इसको हम गार्निश कर देंगे। ये मैंने अरबी रोल के तीनों तरीके आपको दिखाए हैं। ये देखिए, ये है स्टीम्ड रोल, इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। और ये है फ्राई की हुई तली हुई, ये बहुत ही क्रिस्पी रहती हैं। और ये देखिए, मैं इसको दो बिल्कुल खड़ी जो अरबी रोल थे इसको आप इस तरीके से भी तल के खा सकते हैं। इसमें जो टेस्ट आएगा आपको, एक जो स्टेम वाली और फ्राई वाली का, दोनों का मिक्स टेस्ट आने वाला है इसमें। और ये जो हमने चूरा किया था इसमें अब हम डाल देंगे 1 स्पून, या आपको जितना डालना है आप डाल सकते हैं सॉस, और इसके ऊपर धनिया।